अमेरिका, कनाडा में या अन्य ऐसे स्थानों पे आप क्या सोचते हैं कि तेज चीज़ क्या होती हैं, जल्दी होती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं? तो दास ने कहा, है तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ है, मैंने कुछ देखी है कि यहाँ पर नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कि ज़रा सी बात हुई बस नाराज़ हो गए, बस जी पैसा मैंने पूछे ही नहीं, बस मैं लंगर कराया, मेरा ना ही नहीं अनाउंस किया, मैंने ये किया वो, बस नाराज। अगले संडे मैं संगत में नहीं आने वाला। इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। तो दास ने हंसते हुए यही कहा कि उतने नाराज बड़ी जल्दी हो जाते, पानी पे लकीर नहीं मारते, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट टू। ये नाराजगियां, नाराज रहकर जो लम्हे बीत रहे हैं ये लौट के नहीं आने वाले, ये तो बीत गए, ये तो निकल गए हाथ से। तो इसलिए हम इसी कार्य को, क्योंकि कई महापुरुष ये होते हैं जहाँ पर नाराजगी का जिक्र होता है, दूसरे उनको कहते हैं भाई साहब वो काम कर लिया है, कहते हैं जी काम खाक करना सी, सारा दिन तो उन्होंने मनाण ची लग गया। अगर जिसने काम करना है वो मनाने में ही लग गया तो आउटपुट क्या होगी? दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जीज। तो इसलिए अपनी मति या मैं क्या चाहता हूँ इसको अहमियत ना दी जाए, अहमियत ये दी जाए कि गुरु क्या चाहता है, उसके ऊपर केंद्रित होकर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही अरदास।